Welcome to the course Electrodynamics 2. We will solve example 5.8 in this video. Find the magnetic field of an infinite uniform surface current K is equal to Kx cap flowing over the xy plane. Figure 5.33. It is the surface current and flowing along x direction. This is the sheet of the current. यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी। और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पीयर्स लॉ को यूज़ करेंगे। एम्पीयर्स लॉ में ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये लाइन इंटीग्रल है और इस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को एक एम्पीरियन लूप के ऊपर हम सॉल्व करेंगे। और ये राइट हैंड साइड पर म्यू नॉट कांस्टेंट है और आई इनक्लोज्ड, ये टोटल करंट जो एम्पीरियन लूप के अंदर इनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू है। वेयर आई इनक्लोज्ड इज द करंट इनक्लोज्ड इन द एम्पीरियन लूप। बी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 बाई इंटीग्रल के आर प्राइम क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर डी ए प्राइम। ये किसी भी सरफेस करंट डेंसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हम इस केस में एम्पीयर्स लॉ इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ ये फार्मूला हमें बता रहा है वो क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर होगी। कैसे, कि के क्रॉस आर कैप यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड चूँकि इस क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आया, इस वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड या तो z डायरेक्शन में हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में हो सकता है, नेगेटिव y प्लस y डायरेक्शन में या प्लस z नेगेटिव z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो अब हम इस प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है, y z में से कौन सी डायरेक्शन है। तो राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस करंट के लिए, यूजिंग द राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द एक्स वाई प्लेन इज अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन एंड पॉइंट्स टू पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बिलो द एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ से ये बात वाजी हो गई कि इस सरफेस करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है और इस प्लेन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग जी डायरेक्शन भी है या नहीं, क्या मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नोटिस दैट एनी वर्टिकल कंट्रीब्यूशन यानी जी डायरेक्शन की जो कंट्रीब्यूशन है फ्राम द फिलामेंट एट माइनस वाई कैंसिल द करस्पॉन्डिंग फिलामेंट एट प्लस वाई पोजिशन, लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग जी डायरेक्शन बिकम ज़ीरो। अब इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे है। हम ऐसा करते हैं कि इस सरफेस करंट को स्मॉल वायर्स में स्मॉल वायर्स के फिलामेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम सपोज करते हैं कि बहुत सारी वायर्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम इस फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे ये डॉट्स इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब हम एक डॉट लेते हैं ये वाला, यानी ये बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी शेप इस तरह की होगी, यानी ये सर्कुलर शेप में होगा मैग्नेटिक। तो हमने इस चूँकि इस पूरे सरफेस करंट को बहुत सारी वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये बहुत सारी वायर्स एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हैं। तो अब
हम फर्ज करते हैं कि कोई और दो वायर्स ले लें। फ़र्ज़ किया हम एक ये वायर ले लेते हैं, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर शेप में होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन ये सर्कुलर शेप में ऐसे होगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे वाली बनेगी। और अगर हम इस ब्लैक वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा और उसकी डायरेक्शन भी यही वाली होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली बनेगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं इस पॉइंट पे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। और इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। आप लोग देख सकते हो कि ये जो फिलामेंट है, यानी ये वाली जो वायर है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अलॉन्ग नेगेटिव जी एक्सिस में। और इस वायर का जो यानी जो ब्लैक वायर है, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो अलॉन्ग पॉजिटिव जी डायरेक्शन में। तो ये दोनों कंपोनेंट्स यानी एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं, यानी ये जो अलॉन्ग पॉजिटिव जी एक्सिस है, अलॉन्ग नेगेटिव जी एक्सिस है। तो कौन से कंपोनेंट्स इनके ऐड हो जाएंगे? जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो ऐड अप हो जाएंगे। यानी इस येलो वायर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस ब्लैक वायर का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब वर्टिकल कंपोनेंट्स इन मुख्तलिफ फिलामेंट्स, जो कि एक फिलामेंट इस पोजिशन पे है एट प्लस वाई पोजीशन पे और दूसरा फिलामेंट एट माइनस वाई पोजीशन पे है, तो इनके कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस करंट की वजह से अबव द एक्स वाई प्लेन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, एंड बिलो दिस प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। नेट मैग्नेटिक फील्ड अबव द करंट प्लेन is along negative y direction and below the current plane is along positive y direction. अब हम इसको हमें अब करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो अब हम एम्पीरियन लूप के ज़रिए, यानी एम्पियर्स लॉ को यूज़ करते हुए, हम मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रा एन एम्पीरियन लूप पैरेलल टू द वाई जी प्लेन। वाई जी प्लेन में हम ये एक एम्पीरियन लूप को ड्रा करते हैं और इस एम्पीयर लॉ को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सरफेस करंट डेंसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं और इसको डिफाइन किया हुआ है, के इज इक्वल टू आई ओवर डी एल परपेंडिकुलर, यानी करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट परपेंडिकुलर विड्थ। जो स्ट्रिप की विड्थ होगी उसमें से जितना करंट फ्लो करता है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। इन दिस केस डी एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एल। अब इस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर विड्थ है वो एल के बराबर है, यानी ये वाला। तो यहाँ पे L से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी I enclosed इज इक्वल टू के एल के बराबर आएगी। सो इस एम्पीरियन लूप के अंदर जो टोटल करंट इनक्लोज्ड होगा वो के एल के बराबर होगा। और अब हम इस लेफ्ट साइड वाले इस इंटीग्रल की बात करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक B और इस लूप की सेम डायरेक्शन है और दोनों अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस हैं। तो इसके लिए हम ये इंटीग्रल लिख सकते हैं, माइनस बी वाई कैप डॉट माइनस डी एल वाई कैप प्लस, और इसके लिए ये B डॉट डी एल। अब इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और डी एल नीचे की जानिब है,
तो अब ये dl और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और जबकि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ यानी लूप सेम डायरेक्शन में है और अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल बी वाई कैप डॉट डी एल वाई कैप प्लस बी डॉट इंटीग्रल बी डॉट डी एल। इसके लिए भी ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा, ये फोर्थ इंटीग्रल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ लूप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सिर्फ हमारे पास ये दो टर्म्स बाकी रह जाएंगी और ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगी, y कैप डॉट y कैप वन होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इनमें से b चूँकि यूनिफॉर्म है सरफेस करंट के ऊपर, नीचे भी यूनिफॉर्म है, b को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल डी एल प्लस बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू 2bl, यहाँ से भी l आएगा और यहाँ से भी l आएगा, 2bl हमारी टोटल वैल्यू बन जाएगी। और पीछे हम करंट इनक्लोज्ड भी निकाल चुके हैं कि l के बराबर है, और b डॉट dl की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 2bl है, वो यहाँ पे पुट करते हैं 2bl इज इक्वल टू म्यू नॉट i इनक्लोज्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट के l, l से l कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट के ओवर 2। अबव द एक्स वाई प्लेन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, एंड बिलो द एक्स वाई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन।